बिना इंट्रो के लिए दिमाग लगाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस सीन ये है कि 50 मिनट पहले आया है रणवीर सिंह की नई मूवी का टीजर ट्रेलर जिसका नाम है सर्कस, जो कि रोहित शेट्टी की मूवी होने वाली है। और रोहित शेट्टी की मूवीज के लिए मैं अब थोड़ी सी मेरी मिक्स फीलिंग्स हैं। उसका रीजन ये है कि लास्ट मूवी जो थी सूर्यवंशी वो पेंडेमिक से पहले शूट हुई थी और पेंडेमिक खत्म होते ही सबसे पहली रिलीज भी वो थी। वो वही रीजन था कि वो हिट हो गई, क्योंकि लोग बैठे थे तरस रहे थे घर थिएटर में मूवीज देखने के लिए। लेकिन वो एक पैथेटिक मूवी थी, स्टोरी लाइन उसकी टैंगल थी और बस मास अपील के लिए वो मूवी चल गई। लेकिन अब देखते हैं कि क्योंकि अब चीज ये हो गई है कि अब ऑडियंस है उनके ना दिमाग के जो स्क्रू ढीले थे ना वो सब टाइट हो चुके हैं और अब वो पैथेटिक फिल्में नहीं देखते हैं। इसी रीजन की वजह से बहुत सारी मास अपीलिंग मूवीज फ्लॉप भी होने लग गई हैं। और रोहित शेट्टी बनाते ही मास अपीलिंग फिल्में, नो नेट नवंबर वाली फिल्में बनाते हैं कि दिमाग में कोई तेल तूल नहीं, बस बन गई ये गाड़ियां उल्टी हैं ये वो। तो उस हिसाब से मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूं कि इस मूवी के साथ उन्होंने क्या किया है या आगे जाके ये मूवी थिएटर पे किस तरह का परफॉर्मेंस देने वाली है। ओवरऑल रणवीर सिंह के लिए मैं काफी एक्साइटेड रहता हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा एक्टर लगता है। रोहित शेट्टी की फिल्में भाई कॉमेडी में मैं बताऊं ना तो सबसे ऊपर मैं गोलमाल 1 को ही रखता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर वो जो फटीक होती है ना कि पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 और कॉन्टिन्यूटी नहीं थी, तो उस वजह से ना मैं थोड़ा सा पीछे हट गया। पहले गोलमाल सीरीज में कॉन्टिन्यूटी खत्म की उन्होंने और उसके बाद जब सिंघम सीरीज शुरू की उसकी भी कॉन्टिन्यूटी खत्म कर दी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पीछे होता हूँ, बैक ऑफ होता हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्टिन्यूटी वाली मूवीज अच्छी लगती है। यही रीजन है कि दबंग सीरीज जो है भले वो मूवीज इतनी अच्छी नहीं है लेकिन कॉन्टिन्यूटी की वजह से मैं उनमें स्टिल इनटू हूं और कॉन्टिन्यूटी मैटर करती है। हमें यही नहीं पता भाई कि सिंघम 1 वाला सिंघम और सिंघम 2 वाला सिंघम एक कॉन्टिन्यूटी के हैं या ऑल्टरनेट रियलिटीज हैं या स्पिन ऑफ्स हैं, कुछ नहीं पता। बस बनाई जाओ देखी जाओ पागलों की तरह, कोई कुछ अता पता नहीं है। तो उस वे में अब हमें नहीं पता है कि ये सर्कस मूवी क्या होने वाली है। लेकिन सर्कस मूवी का जो नाम है और पोस्टर से देख के लग रहा है कि ऑल द बेस्ट और इस टाइप की कुछ होने वाली कॉमेडी राइड होने वाली है और देखते हैं कि कैसी लगती है ये मूवी। बाय द वे अगर आपने अभी तक नबीर वर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब कर लो यार, हमें इस चैनल को भी पॉपुलर करना है वो आप लोगों के प्यार से। एंड स्टिल इफ यू हैवंट सीन द वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए जाके देख लो। अगर मेरे साथ देखेंगे तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स फर्दर डू माइट ओनली जंप इनटू द टीजर। बेसिकली ये टीजर भी नहीं था, ये अनाउंसमेंट थी कि सर्कस का ट्रेलर कब आ रहा है, जो कि आ रहा है 2 दिसंबर को, और हम उस पे भी रिव्यू करेंगे तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, इस वीडियो से देखने से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें रणवीर सिंह के होने वाले 2 रोल और पीछे जो एक्टर बैठे थे मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उनके भी 2 रोल होने वाले हैं। और ये 60s में आने वाली है, यानी कि 16 में स्टैंड करने वाली है ये फिल्म, और ये वही रोहित शेट्टी की आउट एंड आउट कॉमेडी होने वाली है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें कारें कम उलटेंगी क्योंकि 1960s में कारें इतनी थी ही नहीं। अब जो इसको देखने से मुझे रियलाइज हुआ कि सबका स्टाइलिंग और लुक को वही अचीव करने की कोशिश होगी इस मूवी में 1960s को, लेकिन पता नहीं लोग इसे रिलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये तो ट्रेलर देखने के बाद ही हम जज कर पाएंगे कि किस तरह की है ये मूवी, क्योंकि इसमें सिर्फ ये अनाउंसमेंट थी कि कब आ रहा है ट्रेलर इसका। बाकी रणवीर सिंह पे मुझे ट्रस्ट है, कास्ट बहुत प्रॉमिसिंग है इसकी क्योंकि ये बहुत नामी गिनामी कॉमेडी एक्टर्स हैं सारे, सब अपने करेक्टर्स को और अपनी एक्टिंग जॉब्स को पुल कर लेते हैं। अब देखना ही होगा कि ट्रेलर में क्या आता है। ओवरऑल मेरी एक्साइटमेंट लेवल इतना नहीं है। रिसेंटली मैं जब दोबारा रीवॉच करता हूँ ना रोहित शेट्टी की फिल्म्स को, तो वो वाली अपील
मुझे फील नहीं होती कि यार जो पहले होती थी ना जब मैं छोटा होता जब मैंने पहली गोलमाल देखी थी या गोलमाल 2 देखी थी वो वाली फीलिंग अब सेम नहीं आती। आई गेस हम ग्रोन अप ज्यादा हो गए या हमारे दिमाग कुछ ज्यादा बड़े हो गए ओटीटी प्लेटफॉर्म से इतना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने के बाद कि अब हमें वो नो नट वाले जोक्स जो होते हैं ना वो समझ नहीं लगते या अच्छे नहीं लगते या हमें वो वाला मजा नहीं देते जो हमें बचपन में दे देते थे। बाकी देखते हैं जब ट्रेलर आएगा तो वो किस तरह की अपील देता है हमें। ओवरऑल ठीक ठाक था ये। मुझे देखो मैं हमेशा अपने रिव्यूज में यही बोलता हूँ कि अब टाइम वो चल गया है कि हम ये नहीं बोल सकते कि सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी कैमरा वर्क बहुत अच्छा था। ये बेसिक हो गया है क्योंकि सब पढ़े लिखे आने लग गए हैं भाई इस फील्ड में, उन सबको पता है कि कैमरा क्वालिटी कलर करेक्शन ये सब क्या होता है। तो उस वे में तो वीडियो ये बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि आप डबल रोल को बड़ा स्मूथली इन्होंने इसमें अचीव किया है। लेकिन बात वही है कि स्टोरी कॉमेडी और पंचेस किस तरह पुल ऑफ करते हैं इस मूवी में वो देखने के लिए हम देखेंगे पहले तो ट्रेलर फिर उसके बाद क्रिसमस पे देखेंगे मूवी। तो गाइस दैट इज फॉर नाउ, दिस इज माय रिव्यू ऑन सर्कस। अच्छा लगा लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। एंजॉय योर लाइफ स्टे ब्लेस्ड हैप्पी बाय टेक केयर पीस।